हेलो एवरीवन, तो आगे एक और नई वीडियो में ऑल द मार्स 9 टू द स्काई की। और पिछले पार्ट में हमने अपना बेसिक रिसोर्स सेटअप किया था, जिसमें कि हमें सीव करके यहाँ पे ग्रेवल को छान के हमें काफ़ी सारे रिसोर्स मिल गए थे, और साथ ही हमने ऑटोमेटिक कबलस्टोन जनरेटर भी बना लिया था जिससे काफ़ी सारे रिसोर्स आ गए थे, और हमारा डायमंड का टूल और आर्मर भी बन चुका है। और आज के एपिसोड में हम अपने इसी सेटअप को, इसी रिसोर्स गैदरिंग को फुली ऑटोमेटिक करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इस सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक करेंगे, जहां हमें बस ई एफ के करना पड़ेगा और हमें ऑटोमेटिक रिसोर्स मिलते रहेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और इसको ऑटोमेटिक करने के लिए मेनली हमें जाना पड़ेगा ई एक्स मैकेनिक्स मोड में, जिसमें हमें मशीनें मिलती है इस पूरे सेटअप को ऑटोमेटिक करने के लिए, जिसमें ये काफ़ी सारे अपग्रेड्स भी हैं। और इसमें पहली मशीन है फ्लक्स हैमर, जो कि कबलस्टोन को ग्रेवल में कन्वर्ट करती है, और दूसरा है फ्लक्स सीव, जो कि सीव करके ग्रेवल को छान के रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। और साथ ही इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स भी हैं जो अलग अलग लेवल के, अलग अलग पावर के हैं, जो आइटम्स को अपग्रेड करते हैं सीव करने में। और साथ ही हमें पाइप्स चाहिए, थोड़े से पाइप्स मोड़ के, और साथ ही एनर्जी के लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी लगने वाली है, तो एनर्जी जनरेट करने के लिए जनरेटर क्लोर मोड का यूज़ करने वाले हैं, जो कि सबसे बेस्ट मोड है, कोल जनरेटर की तरह काम करने वाले जो भी चीज़ें हैं उसके लिए। इसमें सारे के सारे कोल जनरेटर ही हैं, बस इनको हम अपग्रेड कर सकते हैं। और इनके लिए हमें थोड़ी सी डस्ट को छानना पड़ेगा, क्योंकि तो हमें रेड स्टोन चाहिए, और इसी रेड स्टोन का यूज़ करके हम बना सकते हैं रेड स्टोन ब्लॉक, और इससे फाइनली बन जाएंगे हमारे ये जनरेटर ग्लोर मोड के जनरेटर्स, जिसमें टायर वाइज होते हैं। सबसे पहले तो कॉपर आता है, कॉपर से बनेगा फिर आयरन, और आयरन से बन जाएगा गोल्ड, और गोल्ड से डायमंड लेवल का। तो जैसे जैसे हम इसको अपग्रेड करते जाएंगे, इनकी पावर भी बढ़ती जाती है, और साथ ही हमें थोड़े बहुत टेराकोटा भी बनाने हैं, क्योंकि हमें आगे ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें अपग्रेड्स भी डालने पड़ेंगे आगे। तो इसके बाद हम बना लेंगे आयरन ब्लॉक, हॉपर और ग्लास पेंस, और एक आ जाएगा डायमंड हैमर, और इससे बन जाएगा हमारा फ्लक्स हैमर, जो कि कोबलस्टोन को ग्रेवल में कन्वर्ट करेगा। और साथ ही हमारे जो ये जनरेटर्स थे, इनको एमरल्ड में भी कन्वर्ट कर लिया है, जो कि मैक्स लेवल का है। और साथ ही पाइप्स मोड की एनर्जी केबल भी आ जाएंगे, एनर्जी पाइप, और इनको यहाँ से सेटअप कर देते हैं, आउटपुट पे सेट कर देते हैं, तो ये इसमें से एनर्जी निकालेंगे। और आइटम पाइप का यूज़ करके हम उनको कोल दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी जो फर्नेस है इसको अपग्रेड कर लेते हैं डायमंड में, और डायमंड से अपग्रेड हो जाएगी एमरल्ड में। एमरल्ड फर्नेस बन चुकी है, और अब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करेगी, स्मेल्ट करेगी आइटम को काफ़ी ज़्यादा फास्ट। और इसके बाद हमें ये आयरन बार्स बनानी है, जिससे बन जाएगा फ्लक्स सीव, जिसको हम उसके जस्ट फ्लक्स हैमर के जस्ट सामने लगा सकते हैं। और आइटम को स्टोर करने के लिए हम सोफिस्टिकेटेड स्टोरेज मोड की चेस्ट बना लेंगे, जिसको हम मैक्स लेवल पे अपग्रेड कर सकते हैं गोल्ड में, गोल्ड से डायमंड में, जिससे इसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही इसके स्टैक अपग्रेड भी हम बना लेंगे, हम टायर वन के ही बना सकते हैं अभी, पर वो भी इनफ होते हैं, तो ये बना लेते हैं स्टैक अपग्रेड। और मैंने ये फ्लक्स सीव लगा दिए, और इसके जस्ट नीचे ये चेस्ट लगा देनी है, और इसमें स्टैक का अपग्रेड लगा दिए। और अभी जैसे इसको एनर्जी केबल से कनेक्ट कर देना है, और साथ ही जो ये जनरेटर्स हैं इनको दे देना है कोल, आइटम पाइप की हेल्प से हम दे देते हैं, आइटम पाइप कनेक्ट कर देते हैं सब में, तो इसमें ऑटोमेटिक कोल चला जाएगा। और अभी ये सारा सिस्टम काम करता रहेगा, इसमें एनर्जी जाती रहेगी, और ये फ्लक्स हैमर कन्वर्ट करेगा कबल स्टोन को ग्रेवल में, और फ्लक्स ही उसको छान के रिसोर्स निकालेगा। और इसके बाद हमें सैंड को छानना है आयरन सीव में, आयरन मैश में,
जिससे कि हमें मिलेगा कैक्टस। डायमंड में, डायमंड मैश में नहीं मिलता है ये, सिर्फ इसलिए मिलता है। और उसके बाद हमें सैंड डाई बना के थोड़े से सैंड टेराकोटा बनाने हैं, जिससे कि हम बना सकते हैं ये गोल्ड अपग्रेड। और इनको अभी हम डाल सकते हैं इन वाले मशीनों में। तीन तीन अपग्रेड डलते हैं मैक्स, तो इनकी लिमिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी ये फुली ऑटोमेटिक हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, और अभी ये काम करते रहेंगे ऑटोमेटिक, और हमें रिसोर्स जनरेट करके देते रहेंगे। बस इनमें जनरेटर्स में हमें कोल डालना पड़ेगा और ये काम करते रहेंगे। और ये देखो मैंने थोड़ी देर एएफके किया है, 10-15 मिनट, 10 और भी कम है, 5 मिनट ही। और ये देखो हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्स भी आ गए हैं, और अभी हमें बस एएफके करना है, और फुली ऑटोमेटिक हमारे पास रिसोर्स आते रहेंगे। तो ये आज काम और हो गया है, हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया है, ग्रेवल को छानने वाला सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक कर दिया है। तो अभी हमारा सबसे मेन फुली ऑटोमेटिक रिसोर्स जनरेशन का सिस्टम बन के तैयार हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, मिलते हैं अगले एपिसोड में।